भगवते वासुदेवा। भक्तों, आगे की कथा में हम आपको विदुर उद्धव संवाद का वर्णन करने जा रहे हैं। परीक्षित ने कहा, हे मुनिवर, भगवान मैत्रेय और विदुर जी का सत्संग कहाँ हुआ? कृपा कर यह प्रसंग सुनावे। सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह कथा भी भागवत पुराण के अंतर्गत ही आती है, जिसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व जन्मों के पापों के कारण धृतराष्ट्र अंधे तो थे ही, साथ ही उन्होंने दुष्ट पुत्रों के कार्यों का भी विरोध भी नहीं किया। कुंती सहित पांडवों को जलाने का प्रयत्न किया। द्रौपदी का भी सभा में अपमान हुआ और जुए में हार कर पांडव वन वन भटकते रहे। 13 वर्षों के बाद वहां से लौटने पर भी उन्हें कुछ नहीं दिया गया। तब कृष्ण पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन के पास गए कि पांडवों को उसका भाग मिल जाए, परंतु दुर्योधन नहीं माना। विदुर ने भी धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, परंतु इसका भी कुछ परिणाम न निकला, बल्कि उल्टे ही क्रोधित होकर दुर्योधन ने राजमहल से उसे निष्कासित कर दिया। राजमहल से निकाले जाने के पश्चात महात्मा विदुर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थों में घूमते हुए यमुना तट पर ऋषि मैत्रेय के आश्रम में ईश्वर भजन करते रहे। महाभारत युद्ध को समाप्त होने के पश्चात जब युधिष्ठिर राजा बन गए, तब उन्हें बद्रिकाश्रम जा रहे उद्धव जी से सभी बातों का पता लगा कि समस्त कौरवों का संहार हो गया। वहीं पर विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा, हे भाई, आप तो सदा कृष्ण के साथ रहते थे, आज आप इधर अकेले कैसे आए हैं? भगवान कृष्ण, बलराम और यदुवंशी आदि तो सकुशल हैं। यह सुनकर उद्धव रोने लगे, आंसू पोंछते हुए बोले, पृथ्वी का भार उतार कर कृष्ण अपने धाम को चले गए। मैं उनके साथ जाना चाहता था, परंतु वह न माने। उन्हीं की अंतिम आज्ञा से मैं बद्रीनाथ आया हूँ। कृष्ण को परम धाम पहुँचने की बातें सुनकर विदुर जी बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगे, किंतु उद्धव जी ने जब उन्हें नीति पूर्वक समझाया तो वे अपने आंसू को पोंछते हुए बोले, हे उद्धव जी, मैं तो महाभारत के पहले ही तीर्थ यात्रा को निकल पड़ा था, क्योंकि हमें पांडवों पर कौरवों का अत्याचार देखा नहीं गया। अतः हे भाई, हमारे आने के पश्चात भगवान कृष्ण ने कौन कौन से अनुपम कार्य किए, उसका वर्णन सुनावे। उद्धव जी बोले, हे विदुर, यह लोक भगवान के परम धाम जाने के बाद भाग्यहीन हो गया। खेत की बात है कि जिस पूतना ने अपने स्तनों में विष लगाकर उन्हें मारने की इच्छा से दूध पिलाया, उस दुष्टा को भी भगवान ने यशोदा मैया के समान उत्तम गति दी। कंस के भेजे हुए राक्षसों को लीला मात्र से ऐसे नष्ट कर दिया जैसे मिट्टी के खिलौने को बालक तोड़ देता है। उन्होंने गोवर्धन धारण कर ग्वालों की रक्षा की। कालिया नाग का दमन कर मृत गोपों को जीवित किया। रासलीला कर कामदेव का गर्व चूर्ण किया। शंख चूर्ण आदि असुरों को स्वर्ग भेजा। अक्रूर को यमुना के जल में दर्शन दिए। बाहुक को वैकुंठ धाम दिया। कुब्जा को सुंदरी बना दिया।
अपने गुरु संदीपनी को दक्षिणा देने के लिए उनके मृत पुत्र को जीवित कर दिया। रुक्मणी का हरण कर उनसे गंधर्व विवाह किया। ये समस्त कथाएं 10वें तथा 11वें स्कंद में विस्तार से दी गई हैं। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, भगवान समस्त लीलाएं सुनकर दुखी मन से उद्धव ने विदर को विदा किया। सुखदेव ने कहा, हे परीक्षित, भगवान की समस्त लीलाएं सुनकर दुखी मन से उद्धव ने विदुर को विदा किया। तत्पश्चात उद्धव जी बद्रिकाश्रम पहुंचे। वहां परमेश्वर में लीन होकर योग से प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाकर उन्होंने देह त्याग कर दिया और विदुर हरिद्वार जाकर मैत्रेय जी से ज्ञान प्राप्त करने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, विदुर जी ने हरिद्वार में जाकर श्री मैत्रेय ऋषि को प्रणाम कर पूछा, हे महर्षि, ईश्वर तो निराकार निर्विकार आदि है, फिर वह माया में पड़कर सृष्टि की उत्पत्ति आदि क्यों करते हैं? इस पर मैत्रेय जी बोले, ईश्वर की माया बड़ी बलवान है, अगर वे सृष्टि नहीं रचते तो उनकी लीलाओं को कौन जान सकता था। हे विदुर, महाप्रलय में नारायण 4000 युगों तक क्षीरों सागर में शेष सैया पर सोए रहे, फिर उनकी नाभि से कमल पैदा हुआ, उसमें ब्रह्मा प्रकट हुए, मैं कैसे पैदा हुआ यह जानने के लिए वह कमल नाल पकड़कर जल में बढ़ने लगे, किंतु हजारों वर्ष बीतने पर भी कुछ नहीं जान सके। अतः वापस कमल में लौट आए और समाधि में लीन हो गए। समाधि में उन्हें शेष सैया पर लौटे भगवान विष्णु के दर्शन हुए। राजन, जैसी ब्रह्मा जी को भगवान नारायण के दर्शन हुए, वैसे ही उन्होंने गदगद हृदय से उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी। उन्होंने कहा, हे प्रभो, बहुत काल तप करने के पश्चात मैंने आपको जाना है और मैं आपके स्वरूप की शरण हूँ। हे देव, आप ही सृष्टिकर्ता आदि हैं, अतः मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। तब ब्रह्मा का मोह दूर करने हेतु विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और मुझे पता है कि तुम सृष्टि करना चाहते हो। मैंने यह कार्य पहले ही कर दिया है, अतः अब तुम तप करो, तब तुम्हें सभी लोग दिखाई देंगे। मुझे सर्वव्यापक समझने वाला मोक्ष पाता है और उसे माया नहीं बांधती। तुम्हारा कल्याण हो और तुम सृष्टि रचना में सफल हो, यही मेरी कामना है। यह कहते हुए भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने 2000 वर्षों तक तप किया। फिर ब्रह्मा जी समस्त जल और वायु को पी गए। कमल शून्य में स्थित रहा, उसमें प्रवेश कर उन्होंने उसके भू भुव स्व तीन भाग किए। वह कमल बहुत दूर तक फैला हुआ था, उसमें 14 भुवन समा सकते थे। विदुर जी ने कहा, हे मैत्रेय जी, परमात्मा के काल शक्ति के विषय में विस्तार से वर्णन सुनाइए। तब मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, यह काल तीनों गुणों के परिणाम से रहित है। पहले संसार ब्रह्म स्वरूप में था, फिर उसे परमात्मा ने अव्यवत काल द्वारा पृथक किया। यह विश्व जैसा अब है वैसा ही पीछे था और आगे भी ऐसा ही रहेगा। इस विश्व के 9 प्रकार के सर्ग हैं। 2 प्रकार हैं, प्राकृत तथा वैकृत। इनमें था जो विकृत है वो 10वां सर्ग है। ये विकृत सृष्टि भी 6 प्रकार की होती हैं। वनस्पति जिसमें बिना फूल के फल आते हैं, जैसे गुलर आदि,
औषधि जो पकने पर बिखर जाते हैं जैसे गेहूं आदि। तीसरा कठोर छाल वाले बांस आदि। चौथा विरुद्ध जिनकी वेल भूमि पर फैले। पांचवा लता। छठवा द्रुम जिनमें पहले फूल और फिल फल लगे। सातवा पशु पक्षियों की सृष्टि। आठवा पर्वतों की सृष्टि। नौवा मनुष्य और दसवा देवतागण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम